ये कर्म भूमि है। मैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ और मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है और मैं आभारी हूँ इतनी भीड़ में संख्या में इकट्ठे हुए लोग और हमेशा की तरह मेरा जोरदार स्वागत किया। मैं इन सब का ऋणी हूँ हमेशा के लिए और मेरी अपेक्षा ये होगी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो राज्यसभा सांसद बन के मैं मैक्सिमम जो है चंबा के लिए, इसीलिए फेल हो गए। मेरा नहीं ख्याल डेढ़ साल में इन्होंने चंबा में एक भी काम किया हो, एक भी ऐसी चीज़ हो जो मेरे को बता दें कि चंबा में ये किया तो मैं मान जाऊंगा। पर मेरे को पता है सारे हिमाचल में काम जीरो है, ठेकेदारी बंद ही है, पीडब्ल्यू में पैसा नहीं है, आईपीएच में पैसा नहीं है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन खाली हैं, डॉक्टर की तनख्वाह घटा दी है, जो प्रोफेसर थे उनकी घटा दी है तनख्वाह। तो ये तो फेल गवर्नमेंट है, ये तो चारों तरफ से फेल हो गई है। और मैं समझता हूँ कि भाई ये जो मोदी जी के बनने के बाद चंबा के लिए मैं, क्योंकि अब पहली दफ़ा चंबा से कोई सांसद बना है, मैं ज़रा आवाज़ उठा सकूँ और मेरी बुलंद आवाज़ है, छोटी मोटी आवाज़ नहीं है, तो इसके लिए काम भी करूँ और इसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल हाईवेज़, ये हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये सारा बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जो पिछड़ा वर्ग है ना, पिछड़ापन है, पिछड़ वर्ग है, उनको मेरे यहाँ बहुत सारे कास्ट के भाई हैं, गद्दी भाई हैं और हर जाति के चौराई भाई हैं, तो उनके लिए मैं सबके लिए मैं करूँगा कि जितनी मेरी से ताकत है पूरी लगाऊंगा उनके उठान के। स्वास्थ्य सुविधा बहुत चल रही हुई है चंबा में सर। हाँ जी, स्वास्थ्य जो मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सुविधा, हाँ बिल्कुल, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे पूरा बड़ा अफसोस है कि कॉलेज तो खुल गया और मेडिकल कॉलेज तो खुल गया पर लेकिन डॉक्टरों की कमी है और मेडिकल पैरामेडिकल सिस्टम की कमी है। मैं समझूंगा एक तो ये आउटसोर्स का काम बंद करेंगे, उसको हम रेगुलर पक्की नौकरी देने की कोशिश करेंगे। चुनाव का दौर है तो क्या स्थिति है हिमाचल में क्या? अरे भाई सारे हिंदुस्तान में वही स्थिति है, हिमाचल में भी वही स्थिति है, चारों की चार सीटें जीतेंगे। अब सुक्खू जी की गवर्नमेंट से तो लोग वैसे भी तंग हैं, तो इस ऐसी तंगी में हम कोई बात नहीं है, पर अपना जो चारों सीटें हैं वो मोदी जी को जाएंगी, वो भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी। राजीव भारद्वाज जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, हमेशा संगठन की सेवा करते रहे और मेरे को उनके आने से, उनके बढ़ने से बहुत हाथ हमारे दोनों हम मिलके कांगड़ा चंबा की भलाई के लिए काम।